समस्तीपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि 8 महीने बाद स्वर्ण व्यवसायी हत्या केस का खुलासा कर दिया गया है, जिसमें कई लूट के मामलों का भी पर्दाफाश समस्ती पुलिस द्वारा किया गया। आप भी देखिए क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। और अरमान और राकेश इन चारों के द्वारा ही इन चारों तीनों घटनाओं का अंजाम दिया गया। चौथी घटना में सिर्फ राकेश और दुलारे जो अंगार घाटी की घटना थी, राकेश और दुलारे घटना स्थल पर आए थे और इन दोनों के द्वारा ये लूटपाट की गई थी। रंजीत और राहुल कुमार के द्वारा लाइनिंग की गई थी, जो कि रंजीत और राहुल इस बात को जान रहे थे कि पिकअप वाला सिंघिया से पिकअप लेके आता है और उसके पास करीब इतना कैश हो सकता है। तत्पश्चात इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया। तो पूरा जो ग्रोह है वो स्पष्ट हो चुका है। इन चारों घटनाओं में भी 3 गिरफ्तारियां भी टोटल हुई हैं। राकेश को ऑलरेडी हम लोग गिरफ्तार कर चुके थे, राकेश को पुनः 2 दिन के लिए भी हम लोगों ने रिमांड पर लिया था और राकेश से भी पूछताछ हुई। राकेश ने भी जो सामान जो हथियार उपयोग किए गए थे उनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं दी, उसके आधार पर सामान और हथियारों को भी बरामद किया गया है। अब हम लोगों के जो ये 4 अपराधी हैं, अरमान जो कि कस्बे आर का रहने वाला है, इकरामुल जो कि रहने वाला है दौलतपुर शेखोपुर का और सराय थाना का दानिश रहने वाला है, और इकरामुल जो कि दौलतपुर से, ये 4 जिले के टॉप 10 अपराधियों में आ चुके हैं। पिछले 1 साल की लगभग सारी बड़ी घटनाएं ये या तो खुद करते थे या किसी से कराते थे और लड़कों को सिखाते थे, वही लड़के सीखने के बाद फिर स्वयं से घटनाएं करते थे। जैसे कि इन्होंने राकेश और दुलारे को 2 घटनाएं करना सिखाया, उसके बाद राकेश और दुलारे ने अपना इंडिपेंडेंट गैंग बनाया और अंगार घाटी घटना को अंजाम दे दिया। और इसमें एक और महत्वपूर्ण नाम आया है जर्दा व्यवसायी के साथ लूटपाट में, जो कि लाइनअप में भी था, उसकी भी हम लोग अभी उसका खुलासा भी हम लोग कर चुके हैं, लेकिन उसको हम लोग नाम नहीं बताएंगे, उसका गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। तो कुल 4 घटनाओं का खुलासा हुआ है और इकरामुल और ये जो 4 अपराधी हैं इनको हम लोगों ने अपने टॉप 10 में शामिल कर लिया है। जिस किसी को भी इनकी सूचना मिलती है इन पर शीघ्र ही हम लोग कुर्की करते हुए रिवार्ड भी घोषित करेंगे। ये 4 अभी भागे हुए हैं और दुलारे भी भागा हुआ था, लेकिन दुलारे को पकड़ने में हम लोग सफल हो गए। दुलारे के कन्फेशन पर ही, दुलारे के पूछताछ पर ही फिर हम लोग आगे इन्हें रिकवरी कर पाए हैं। तो 4 घटनाएं स्पष्ट हैं और इस घटना में जिस टीम ने कार्य किया है वो बृहद टीम है, उस पूरी टीम को हम लोग रिवॉर्ड भी देंगे। वर्ष 2021 और 2022 में जो संवेदनशील घटनाएं हुई थी उनकी सूची बनाई हुई है और उन घटनाओं जिन घटनाओं में अपराधी नहीं पकड़े गए हैं या घटनाओं का उद्भेदन नहीं हो पाया उनके उद्भेदन हेतु प्रयासरत हम लोग हैं। उसी क्रम में इस बार हम लोग अभी करीब 4 नई घटनाओं का खुलासा हुआ है। टोटल 8 से 10 माह पहले समस्तीपुर जनपद में कुछ सनसनीखेज घटनाएं हुई थी, संवेदनशील घटनाएं हुई थी, उनका खुलासा हुआ है। और इस पूरी घटनाक्रम में कुख्यात अपराधी मोहम्मद दुलारे अपने 3 साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। 1 पिस्तौल बरामद है, 2 देसी कट्टा बरामद हुए हैं, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। अलग अलग घटनाएं इन लोगों ने की थी, घटना में लूटा हुआ सामान और घटना में जिन उपकरणों का प्रयोग किया गया था वो बरामद हुए। इन घटनाओं के उद्भेदन के लिए SIT बनाई गई थी, DIU की सभी टीमें इसमें लगी हुई थी और जिन जिन क्षेत्र में घटनाएं हुई थी वहाँ के थाना प्रभारी खानपुर, वारिस नगर, टाउन, मथुरापुर, ओपी, ये सब लोग भी इस टीम में सक्रिय थे। सक्रियता के आधार पर इनने छापेमारी की और अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है। कुख्यात अपराधी मोहम्मद दुलारे को गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद दुलारे और उसके 2 साथी भी गिरफ्तार हुए हैं। उसने गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ में और जब पूछताछ के आधार पर जब बरामद की थी तो 8 से 10 माह पहले 4 संवेदनशील घटनाएं हुई थी जिनका खुलासा हो गया है। आपको याद होगा कि 2022 में अगस्त में 27 अगस्त को जान लो है अभी खानपुर थाना में ही प्रियंका ज्वेलर्स के यहाँ स्वर्णकार की लूटपाट के दौरान एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद FIR दर्ज की गई थी और घटना का उद्भेदन का प्रयास किया जा रहा था। इस घटना का भी उद्भेदन हो गया है। जुलाई माह में 19 जुलाई को अंगारघाट थाना के अंतर्गत एक पिकअप चालक से 8 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया, उस घटना का भी उद्भेदन हो गया है। दिसंबर माह में 15 दिसंबर को वारिस नगर में भी एक सोना व्यवसायी के साथ ही लूट हुआ था। हालांकि ज़्यादातर राशि या सोना नहीं लूट पाए थे लेकिन लूटकांड हुआ था, उसका भी उद्भेदन हो गया है। और अगस्त माह में 15 अगस्त को नगर थाना अंतर्गत जर्दा व्यवसायी के साथ एक लूटकांड हुआ था जिसमें गोली चलाई गई थी, उस लूटकांड का भी उद्भेदन हो गया है। तो कुल 4 लूटकांड का उद्भेदन हो गया है और एक गिरफ्तारी गिरफ्तार हो गए हैं। मोहम्मद दुलारे से जब पूछताछ हुई तो मोहम्मद दुलारे ने बताया कि ये लोग जुलाई 2022 से ही एक्टिव थे। जुलाई 2022 में इन लोगों के द्वारा अंगारघाट थाना अंतर्गत जो पिकअप पटकी गई थी वो पिकअप सिंघिया थाना से ही वो पिकअप वाला चलता था। वहाँ जो एक दूसरा पिकअप वाला था जो वहाँ पे कार्य करता था वो दौलतपुर का रहने वाला था और मोहम्मद इकरामुल मियाँ के यहाँ ही इस घटना की प्लानिंग हुई थी
और इस घटना में राकेश जो कि ऑलरेडी जेल में है और मोहम्मद दुलारी, इन दोनों ने जाकर इस घटना को, अंगार घाट की घटना को अंजाम दिया था। तत्पश्चात 27 अगस्त 2022 को इन लोगों ने प्रियंका ज्वेलर्स के यहाँ स्वर्णकार की घटना को अंजाम दिया। इस घटना के 2 दिन पहले घटना स्थल पर हुई थी। हम लोगों को पता चला था कि समस्तीपुर रेलवे स्टेशन से एक स्कॉर्पियो चालक के साथ कुछ व्यक्ति आते हैं ग्राहक बनके, और स्कॉर्पियो चालक से गाड़ी किराए पर लेते हैं और उस गाड़ी को ले जाते हैं रोसड़ा तरफ। रोसड़ा थाना अंतर्गत जब इस जगह पहुँचते हैं तो सुनसान जगह पर ये लोग उसके साथ मारपीट करते हैं। मारपीट करते हुए स्कॉर्पियो लूट के ले जाते हैं। ये स्कॉर्पियो लूट की घटना हुई थी और लगातार पिछले 1 साल से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे कुछ घटनाएँ ऐसी हो रही। जब भी हम लोग शराब से रिकवरी कर रहे थे तो लगातार जो शराब रिकवरी करते हुए जो गाड़ियाँ बरामद हो रही थी, गाड़ियाँ चोरी की और लूट की हुई प्रतीत हो रही थी। तो उसी क्रम में ये भी स्पष्ट हो रहा था कि ये स्कॉर्पियो भी शराब व्यवसायी के द्वारा, किसी शराब व्यवसायी के द्वारा लूट पाट करा करके और फिर इसका शराब के क्रम में, शराब को ढोने के क्रम में इसका उपयोग किया जाएगा। तो उसके बाद हम लोगों ने तुरंत SIT बनाई SDPO रोसड़ा के नेतृत्व में, SHO रोसड़ा, सब इंस्पेक्टर कामती, DIU से इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह, DIU से सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार, सब इंस्पेक्टर संजय कुमार, सब इंस्पेक्टर राजन कुमार और इस पूरी घटना के उद्भेदन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 2 सिपाही हमारे केशव कुमार और अमर कुमार, इन दोनों सिपाहियों की प्रयासों से ही इस घटना का सफल उद्भेदन हो सका है। इस घटना का सफल उद्भेदन हो गया है। 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। लूटी गई स्कॉर्पियो बरामद है। जो एल्टो कार इन लोगों ने स्कॉर्पियो लूटने के लिए इस्तेमाल की थी, एल्टो कार बरामद है। घटना में जो 3 मोबाइल फोन इस्तेमाल किए वो मोबाइल फोन इस्तेमाल है। 1 मोबाइल फोन जो लूट दिया था वो लूट का मोबाइल फोन भी बरामद है। घटना के दिन घटना करते समय अपराधियों के द्वारा जो कपड़े पहने गए थे वो कपड़े भी बरामद हैं। और घटना का सफल उद्भेदन हो गया। हुआ यूँ था कि ये चारों अपराधी आए थे समस्तीपुर रेलवे स्टेशन और जो स्कॉर्पियो चालक था उसको इन्होंने लालच दिया किराए पर गाड़ी लेने का और बेगूसराय चलने का बहाना बनाया और चालक को अपनी गाड़ी में बिठा दिया, चालक की गाड़ी में बैठ गए और फिर आगे बढ़े। जब ये लोग रोसड़ा तक आ गए तब तक इन्होंने भनक नहीं लगने दी कि इन लोगों का लूटपाट का इरादा है। रोसड़ा थाना अंतर्गत एक सुनसान जगह पर जब ये लोग पहुँच गए तो सुनसान जगह पर इन लोगों ने स्वयं बाहर निकले, ड्राइवर को बाहर लेके आए और ड्राइवर के साथ मारपीट की और उसको धमकी दी और तत्पश्चात तुरंत ये स्कॉर्पियो लेकर के भाग गए। स्कॉर्पियो को जब हम लोगों ने ट्रेस किया तो पता चला कि ये रोसड़ा थाना से निकली है और रोसड़ा होते हुए ये बेगूसराय ज़िले में प्रवेश कर चुकी थी। बेगूसराय ज़िले में प्रवेश करने के बाद ये लोग स्कॉर्पियो को वहाँ पर, बेगूसराय ज़िले में इन लोगों ने स्कॉर्पियो को ठिकाने लगाया और लूटी गई स्कॉर्पियो फिर हम लोगों ने वहाँ से बरामद की। एल्टो कार जो थी, इस एल्टो कार से ये लोग आते थे, इनका यही मॉडल ऑपरेंडी था। तो इनसे पूछताछ में ये स्पष्ट हुआ कि ना सिर्फ स्कॉर्पियो बल्कि इन्होंने पूर्व में कई पिकअप वगैरह भी लूटी हुई हैं। 4 पहिया गाड़ियों को लूटने का इनका योजना रहती थी और उस 4 पहिया गाड़ी को ये लोग शराब के धंधे में उपयोग करते थे। तो इनसे हम लोगों को शराब का भी एक नेक्सस प्राप्त हुआ है जिसमें गोबर का ही उसने आके रेकी की थी और रेकी के बाद इन लोगों को ये पता चल गया था करीब 8 से 8:30 के आसपास स्वर्णकार जो है अपनी दुकान को बंद करते हुए अपने घर की तरफ निकलते हैं और अकेले जाते हैं। इन लोगों ने रेकी कर ली थी और 27 अगस्त को 4 अपराधी जिसमें राकेश पल्सर, अमजद उर्फ पल्सर, राकेश जो कि ऑलरेडी गिरफ्तार है, दानिश जो कि सराय थाना सराय वैशाली का रहने वाला है और एक और अपराधी है इसमें अरमान जिसको हम लोग ऑलरेडी खोज रहे हैं, इन चारों ने घटना को अंजाम दिया था। मोहम्मद दुलारे और अव्वा ने इस घटना में पूरी लाइनिंग की थी और ये लोग दुकान के सामने ही दोनों खड़े हुए थे। यहाँ से इन लोगों ने फ़ोन किया था रेकी करने के लिए और लाइनिंग के लिए। ये लोग टोटो, अव्वा जो है वो मोहम्मद इकरामुल की टोटो चलाता है, उसका ड्राइवर था, वो टोटो लेकर के यहाँ पर आया हुआ था। उस टोटो को हम लोगों ने सीज कर लिया है, जिस हथियार को इन लोगों ने हथियार के थ्रू घटना को अंजाम दिया था। तो जब ये घटना का खुलासा हुआ तो हम लोगों ने राकेश जो ऑलरेडी जेल में है उसको रिमांड पर लिया, उससे पुनः पूछताछ की तो उसने भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की और उसने बताया कि घटना के बाद वो हथियार इकरामुल के घर पर ही था। तो इकरामुल के घर पुनः छापेमारी हुई और वो गोपनीय जगह जहाँ पर वो हथियार छुपा के रखा हुआ था उस हथियार की बरामदगी की गई है। जो बैग लूटा गया था वो बैग बरामद किया गया है। घटना में लाइनअप में जो गाड़ी प्रयुक्त की गई थी टोटो वाहन उसको बरामद किया गया। अंगार घाट की घटना में भी जो मोटरसाइकिल उपयोग की गई थी, ग्लैमर मोटरसाइकिल जिसका उपयोग किया था वो बरामद की गई है। पिकअप गाड़ी की चाबी जो थी वो बरामद की गई है। इन दोनों से जब और पूछताछ हुई तो नगर थाना भोला टाकिज कांड में ऑलरेडी दुलारे का नाम आ चुका था। तो दुलारे ने से हम लोगों ने पूछा और राकेश से भी पूछा कि आखिर भोला टाकिज कांड के लिए जो हथियार आप लोगों ने यूज़ किए थे, इन अपराधियों ने जो हथियार यूज़ किए थे वो हथियार कहाँ हैं।
हथियार बरामद हुए हैं। जो छेनी हथौड़ा रेती इन लोग लेके गए थे भोला टाली की घटना में, वो बरामद हो गए हैं। जर्दा व्यवसायी के साथ लूटपाट में काला पिट्ठू बैग था, वो लूटा गया था, वो बरामद हो गया है। चाबी का गुच्छा था, वो बरामद हो गया है। और वारिस नगर में भी जो स्वर्णकार के साथ, स्वर्ण व्यवसायी के साथ लूटपाट हुई थी, उसमें काला हैंडबैग था, उनके नाम का लिखा हुआ एक टिफिन था, वो बरामद हुआ है। और एक सोने का छोटा सा ढोलना था, उसको भी बरामद कर लिया गया है। तो कुल चार घटनाओं का खुलासा हुआ है। इन पूरी चारों घटनाओं का, पहले भी जो घटनाएं हुई थी, इन सबका गढ़ घूम फिर के फिर शेखोपुर दौलत पर पहुंचा है मोहम्मद इकरामुल, कि यहाँ ही इन घटनाओं की प्लानिंग हुई थी। कुख्यात अपराधी जो पल्सर अमजद उर्फ पल्सर है, दानिश वैशाली का, और अरमान और राकेश, इन चारों के द्वारा ही इन चारों तीनों घटनाओं का अंजाम दिया गया। चौथी घटना में सिर्फ राकेश और दुलारे, जो अंगार घाट की घटना थी, राकेश और दुलारे घटना स्थल पर आए थे, और इन दोनों के द्वारा ये लूटपाट की गई थी। रंजीत और राहुल कुमार के द्वारा लाइनिंग की गई थी, जो कि रंजीत और राहुल इस बात को जान रहे थे कि पिकअप वाला सिंघिया से पिकअप लेके आता है और उसके पास करीब इतना कैश हो सकता है। तत्पश्चात इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया। तो पूरा जो ग्रोह है वो स्पष्ट हो चुका है इन चारों घटना